मिलिए पुणे के नौजवान आशिक जैन से। पेशे से वास्तुकार आशिक को आशिकी हो गई है साइकिल की सवारी से। अपनी साइकिल पर सवार होकर ये पुणे से दिल्ली तक का सफर तय कर चुके हैं और अब तैयारी है साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4,500 किलोमीटर का सफर तय करने की। पर यह सफर रोमांच के लिए नहीं है बल्कि शहरों से गांव तक एक अहम संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अभी मैं एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन प्लान कर रहा हूँ श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, जो तकरीबन 4,500 किलोमीटर है, जहाँ पर मैं साइकिलिंग का इम्पोर्टेंस स्कूल के बच्चों को उसकी जानकारी दूंगा और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उनको मैं छोटा एक रिपोर्ट देने का प्लान कर रहा हूँ। देश में टिकाऊ सुरक्षित ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाने के लिए शहरों को और सड़कों को साइकिल फ्रेंडली बनाना आज की बहुत बड़ी जरूरत है। इसी मकसद को लेकर आशिक अपना अभियान शुरू कर रहे हैं, इसलिए माँ को गर्व है और कई लोग साथ जुड़ रहे हैं। जब ने उसने पहले मुझे बोला ना, तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था कि उसको मैं कैसे इजाज़त दूँ। मैंने लास्ट तक उसको इजाज़त दी नहीं थी, लेकिन अभी वो अच्छा काम कर रहा है इसलिए मैं उसको अभी सपोर्ट कर रही हूँ। डर भी है लेकिन अभी सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। आशिक का ये जो अभियान है, जो कि वो कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो अपने साइकिल पे यात्रा करेंगे और इसके तहत वो बेसिकली नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट मतलब साइकिलिंग का जो फ़ायदा है उसका थोड़ा सा प्रचार करेंगे और लोगों में एक अवेयरनेस इसके बारे में जनरेट करेंगे। तो ये काफ़ी हद तक हम लोग जो यहाँ पे पुणे में कर रहे हैं और जो समनेट नाम की हमारी जो नेशनल एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू भी हम लोग इसी तरह का काम करते हैं। अपने इस अभियान में आशिक रोज 100 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। ये काम जरा मुश्किल है, पर इससे भी ज्यादा मुश्किल है कारों की शोशेबाजी और शोर के बीच साइकिल चलाने के संदेश को देश के घर घर तक पहुंचाना।